अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और असातिज़ा हज़रात, आज हम बात करेंगे मज़मून मराठी के लेसन सारखे काय, यानी एक जैसा क्या, मिला हुआ मिलता जुलता क्या, जो कि लिया गया है मज़मून मराठी से। आज इस सबक के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम मराठी सीख रहे हैं तो कुछ चीज़ें मराठी में कैसे होती है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब सारखे काय का मतलब क्या होता है, यानी मिला जुला हुआ क्या है या एक जैसा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तीन शब्द में कहूँगा, तीन अल्फाज में कहूँगा, इसमें आप मुझे बताइए कि सारखा क्या है, यानी एक जैसा क्या है। जैसे कि आई, आजोबा, आजी, आ आ आ, तीनों में एक जैसा है। इसी तरीके से कबूतर, मगर, नगर और अगर, आखिर में जो र आ रहा है ये एक जैसा है। तो ऐसे कुछ अल्फाज इकट्ठा किए और इसमें अगर हमने देखे कि आखिर में और पहले एक जैसा क्या है, वही मालूमात हम इस सबक के ज़रिए पढ़ेंगे। अब इससे बच्चों की मालूमात में इजाफा होगा, बच्चे क्या सीखेंगे। जैसे कि हमने लर्निंग आउटकम्स में बताया है कि बच्चे एक जैसे लफ्ज़ों को पहचानेंगे, एक जैसे लफ्ज़ों को पढ़ेंगे और ग्रुप में बैठकर, दोस्तों के साथ बैठकर उन लफ्ज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे कि लफ्ज़ के शुरू में कौन सा अक्षर, कौन सा हर्फ एक जैसा है और लफ्ज़ यानी शब्द के आखिर में कौन सा हर्फ यानी अक्षर एक जैसा है। तो इससे क्या होगा, बच्चों की इल्मी ज़हनी सकाफती तरक्की होगी। जैसे कि 2020 नई तालीम सीमा पॉलिसी के तहत हमें बताया गया है कि बच्चों में ना सिर्फ इल्मी तरक्की होना है बल्कि ज़हनी, जज्बाती, सकाफती, जमालियाती और समाजी तरक्की होना लाजमी है। तो चलिए शुरू करते हैं मज़मून मराठी के सबक सारखे काय। शुक्रिया।